उनको सजा भी हो जाएगा तब भी मैं नहीं मानूंगा कोई दोषी है। उनको फंसा दिया गया है। बिस्लू के जो समर्थक हैं या जो भी इस तरीके के मामले होते हैं जिनके जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि भैया वो निर्दोष है। तो जो बिस्लू के समर्थक हैं जो ये मानते हैं कि बिस्लू निर्दोष है वो ये जानना चाह रहे हैं कि बिस्लू जेल से बाहर कब तक आएंगे। अगर आपको कुछ इस बात की जानकारी हो तो कुछ जानकारी है। देखिए बिस्लू जी को 7वां महीना चल रहा है, उनका दो बार वकील तो चेंज हो चुके हैं शायद, और जो इनका केस लड़ रहा है चाहे वो कोई लड़ रहा हो उसमें ठीक से पैर भी नहीं हो रही है। हाँ अगर ऐसा रहा तो बिस्लू जी तो बहुत मुश्किल है हमारे, हमको तो नहीं लगता बिस्लू जी छूट जाएंगे। अब अब हमको तो मैं तो यार आशा करते 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 कि वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया, अब आ जाएंगे कल आएंगे आ जाएंगे कल आएंगे, हमने छोड़ दिया। 7वां महीना बीतते जा रहा है, 6 महीना बाद लगभग आदमी की जमानत हो जाती है। अब कैसे केस लड़ रहे हैं, कैसे क्या दिखा रहे हैं, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, अब जो लड़ रहा वही बता सकता है केस को। हो सकता है दोषी हो, हम नहीं मान सकते। अगर समय लग रहा है तो हो सकता है जो दूसरा पक्ष है वो सकता है वो भाई अगर उनको सजा भी हो जाएगा तब भी मैं नहीं मानूंगा कोई दोषी है। उनको फंसा दिया गया है। तो आप कानून से ऊपर की बात कर रहे हैं, जैसे हम नहीं मानेंगे तो कानून ने करेगा, आप थोड़ी ना तो कानून करेगा। तो कानून तो अंधा है। जब मार होती है तो पुलिस उसके बाद में पहुंचती है, तो पुलिस को क्या पता कि हम मार होने वाली है। आप फोन करिए, वो कहती है ठीक है मैं, आप तब तक तैयार करिए मैं आ रहा हूँ, जब काम हो जाता तो पहुँचती। कानून तो अंधा है, कानून कहाँ कब है तारीख पर तारीख साली मिलती जाती है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। तारीख आप ये मानते हैं बिल्कुल, तारीख मिलती जा रही है। अब प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा, जनता अपने हिसाब से करेगी, हमारी अपनी सोच है आपकी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच को मैं कह रहा हूँ, बाकी हम थोड़ी कह रहे हैं कि कानून गलत है। मैंने कब कहा कानून गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको सजा भी हो जाएगी तब भी मैं नहीं मानूंगा कि बिस्लू जी दोषी हैं। मेरा मानना है कानून का, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कानून कह रहा हूँ, कानून अपने हिसाब से जो करेगा। व्यक्तिगत मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप भी वही बात मानते हैं? बिल्कुल वही बात मानते हूँ, हम बिस्लू को कभी दोषी नहीं मानेंगे। चलिए ऐसा निर्दोष है बिस्लू राज के बारे में लोग अपडेट जाते। बस एक अपील करना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं, बिस्लू जी के ससुराल वाले बहुत अच्छे इंसान हैं वो लोग, ये मेरा मानना है। उनको गुमराह किया गया उन लोगों से, बस यही एक कामना है प्रभु राम जी से कि दोनों परिवार एक हो जाए, एक बेटे की ज़िंदगी बची है उसको सर का साय बाप का साय मिल जाए, बाकी अगर कोई गलत किया होगा तो उसका सजा जरूर मिलेगा, बस मेरा यही मानना है। चलिए बिस्लू राज के बारे में लोग जानना चाह रहे थे, तो भाई हमने चंदा भाभी से और करमचंद भाई से बातचीत किया, क्योंकि ये लोग जेल में मुलाकात करने हुए गए थे, और जो भी उस मामले में जो प्रोसेस चल रहा है कानूनी तौर पर उसके बारे में भी जो जानकारी उन्होंने हमसे साझा किया। और आपको क्या लग रहा है, हालांकि ये तो बार बार कह रहे हैं कि बिस्लू राज निर्दोष है, लेकिन तय करने वाला कानून है, कोर्ट है, वो सारी चीज़ें समय आने पर तय हो जाएंगी, वो जेल से बाहर आएंगे या उनको सज़ा होगी।